मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान समेत और दूसरे दो राज्यों में जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम समझते हैं कि देश में ये सेकुलर फोर्सेस जो हैं उनकी विजय है और देश की जनता ने ये नकारा है कि लोगों को जात और धर्म के नाम पर तोड़ने वाले लोगों से उनका भरोसा उठ गया है और देश ने और खासकर ये हिंदी भाषी तीनों राज्यों ने ये माना है कि हमें विकास चाहिए, किसानों को उनके उपज का मूल्य चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए और वो इस चीज़ को समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे वादे और झूठी बातों से करके केवल देश को गुमराह करके चुनाव में वोट लेना चाहते हैं, जिसे जनता ने सीधे तरीके से नकारने का काम किया। इन चुनावों में एक खास बात सामने आ रही है कि नोटा को बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया है, तो नोटा ने कैसे खेल बिगाड़ा? देखिए, ये पूरी दिखाई भी दे रहा था, पिछले 6 महीने से लगातार जो जन आंदोलन हो रहे थे वो दिखाई दे रहे थे और खासकर फॉरवर्ड क्लास को दरकिनार करके जो लोग राजनीति करेंगे उनका यही हश्र होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।